कि आप यहाँ पे दर्शन करने, इस जगह पे कोई नहीं आ पाता। जिस जगह पे आप लोग आए आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर जब मुनि अवस्था में थे तो इधर से विहार करते उन्होंने यहाँ तपस्या की। एक रात्रि में उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, स्थणु नामक राक्षस उपसर्ग किया, इस कारण से उनका नाम महावीर हुआ। पहले वर्धमान, सम्मति, अतिवीर कई नाम है, ये उज्जैनी उपवन सिद्ध भूमि है जहाँ से प्रभु का नाम महावीर हुआ। और इस कारण आचार्य गुरुवर्षित प्रज्ञासागर जी महाराज ने इसका प्रभु बनाया। और यही वो पावन सिद्ध भूमि है जहाँ से अभय घोष महामुनिराज मोक्ष आए। और यही वो पावन सिद्ध भूमि है जहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत होते राजा श्रीपाल का कोट। और यही वो पावन सिद्ध भूमि है जहाँ आचार्य प्रमोदचंद ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। और यही वो पावन सिद्ध भूमि है जहाँ अनुकंपा जी शास्त्र मुनिराजों को सब दूर होकर रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। और यही वो पावन भूमि है जहाँ के वृषभ सिंह मुनिराज है, सुखमान मुनिराज है, सत्य मनोरमा सत्य मैना सुनी है। और यही वो भूमि है जहाँ से स्वतंत्र और दिगंबर पंथ की शुरुआत हुई। जितने भी जैनों के ग्रंथ आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे उसमें उज्जैन का नाम आएगा ही आएगा, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें उज्जैन का नाम नहीं। तो इसी पावन सिद्ध भूमि पे आपको हमारे ऊपर हृदय स्थल में आपने कल्प वृक्ष में भगवान महावीर के खड़गा सरस्वती माँ के दर्शन किए। नाभि स्थल में कली कुंड पास कर, कली का मतलब होता है कलेश और कुंड का मतलब होता है समूह, कलेशों को समूह को नष्ट करने वाले कली कुंड पास कर। आप देख रहे प्रभु का उदाहरण रीम के मध्य, रीम जो होता है वो 2400 तीर्थंकर का बीजाक्षर होता है। तो 2400 तीर्थंकर के मध्य में कली कुंड पास कर भगवान खड़ा करें यंत्र मंत्र और बीजाक्षर के साथ। ये जिस वर्ण में आपको प्रभु दिख रहे ये इसी वर्ण का पूरा एक ही पाषाण पर बना हुआ यंत्र मंत्र के मध्य में प्रभु विराजमान है। ये ऊपर से रजत में स्वर्ण में होली का ही यंत्र। और ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे वरं कलिकुण्ड दण्ड चंद्रमु कृपास्तस्मिन् अतुल बल विप्राप्य धनेन्द्र प्रणोति सेताय आत्म विद्या रक्षक पर विद्या चतुर्विंद स्वाम श्रीं स्वं स्वं स्वा ओम भय स्वाहा। यंत्र मंत्र और बीजाक्षर के साथ में कलिकुण्ड पाषाण भगवान के दर्शन आपको भारत के किसी जैन मंदिर में नहीं, एक मां की प्रतिमा है। और जिस जगह प्रभु विराजमान है अपने जो सिद्ध पुरुष आते हैं साधु संत आते हैं, श्वेतांबर समाज के भी आते हैं, वैष्णव समाज के अदर समाज के भी साधु संत आते हैं, या फिर प्रभु का सच्चा प्रेमी सच्चे सद्धान रखने वाला व्यक्ति अगर आता है तो उनको साक्षात अनुभव महसूस होता है कि जिस जगह प्रभु विराजमान है जैसे 48 फीट नीचे गहरे जगह साक्षात देव विराजमान है जो इस पूरे क्षेत्र का संचालन जो ऊर्जा है यहाँ से। और जब तक उनकी अनुमति नहीं होती कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आता। ऊपर आपने जो किसी के दर्शन किए ये उनके नीचे उनके प्रमुख गणधर विराजमान है, ये भी आपको